मीडिया मीडिया कौन सी? अगस्त की जो रात्रि की घटना है, मेरे चाचा युवराज जी के साथ जो षड्यंत्र पूर्वक रची गई, उस दिन को लेकर आज तक जो प्रशासन पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई कर रहा है उससे उस पर हमें भरोसा है। और जिस प्रकार की जो घटना है और जिस प्रकार से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं उससे बिल्कुल यही जाहिर हो रहा है कि घटना एक षड्यंत्र दर्शाती है और जल्द ही पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है यहाँ के हमारे सीआई विष्णुदत्त जी ने कि जल्द ही इस पे इसका खुलासा कर दिया जाएगा, जिससे जो भी शामिल है मुख्य आरोपी कांतिलाल पुगड़िया, जिसने अपने सभी दोस्तों को जो साथ में थे उस दिन फार्म हाउस में, उन सभी को मना किया कि इस घटना के बारे में किसी को बताना नहीं है, तो ये प्रथम दृष्टा मुख्य आरोपी कांतिलाल जो पुगलिया है इससे ये जाहिर होता है कि उसने कैसा क्या सोच के क्या रीजन रहा होगा जिसके कारण इसने ये घटना को, इतनी बड़ी घटना को इसने छुपाया। दो दिन बाद पता चलता है, कई सबूत जुटाए जाते हैं, उस पर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, तो ऐसा क्या रीजन था वो आरोपी बता सकता है कि ऐसे क्या सोच के उसने दो दिन तक की घटना को छुपाए रखा और अलग अलग बयान देता रहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा प्रशासन से, और प्रशासन अपना ईमानदारी से काम कर रहा है और जल्द ही इस पे पर्दा उठ जाएगा और हमें न्याय मिलेगा, इसी उम्मीद के साथ पूरा परिवार। 12 अगस्त 2018 की रात्रि को श्री जीवराज नाई के एक्सीडेंट के मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस संबंध में श्री नितिन ने एक खास परिवाद पेश किया है, जो बिंदु उन्होंने दिए गए हैं उन पर भी गहनता से अनुसंधान करें, जल्दी इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।